पुतिन छोटे मोर्चे पर युद्ध चाहे जीत लें, लेकिन परमाणु बम वाला फ्रंट ऐसा है जहां पुतिन को बड़ी हार मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के हाथ एक तुरुप का इक्का लग गया है और इस तुरुप के इक्के की बदौलत बाइडेन को पुतिन के सबसे खतरनाक बॉम्बर का हर वो राज मालूम हो सकता है जिन्हें पुतिन ने अभी तक राजी रखा था। रूसी कमांडर का सनसनीखेज दावा, पुतिन की वजह से जंग हारेगा रूस, डिफेंस इंजीनियर खोलेगा पुतिन के पोशीदा राज, पुतिन का व्हाइट स्वान हुआ बेनकाब, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को एक साल पूरा होने वाला है और इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने अपने घातक हथियारों के जरिए ज़ेलेंस्की के हौसले और जज्बे को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है, लेकिन वो ना तो ज़ेलेंस्की को झुका पाए और ना ही यूक्रेन की फौज को सरेंडर करने पर मजबूर कर पाए। यानी अब ये जंग और लंबी खिंचेगी। लेकिन इस बीच रूस के एक पूर्व कर्नल जनरल ने एक ऐसा दावा किया है जिसकी वजह से राष्ट्रपति पुतिन की परेशानी और बढ़ने वाली है। दरअसल रूस के पूर्व कर्नल जनरल लियोनिड इवाशोव ने यह दावा किया है कि पुतिन की वजह से रूस यूक्रेन जंग में शर्मनाक तरीके से हारने की तरफ बढ़ रहा है। जनरल लियोनिड इवाशोव को पुतिन का कट्टर आलोचक माना जाता है और उन्होंने यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही राष्ट्रपति पुतिन से उनके इस्तीफे की मांग की थी। कर्नल जनरल लियोनिड इवाशोव के मुताबिक, हमें इस सैन्य अभियान के दौरान इस तरह की गलतियों और गलत कार्रवाइयों की उम्मीद नहीं थी। अंत में क्या हुआ जो हमने सोचा था उससे भी बुरा। सामरिक स्तर पर हमने नहीं सोचा था कि एक साल के अंदर हम डोनेस्क और लुहांस क्षेत्रों को आजाद नहीं करा पाएंगे। हमने नहीं सोचा था कि इतना भारी नुकसान होगा। हालांकि मैंने तब भी कहा था कि दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जाएंगे, लेकिन सब कुछ बहुत बुरा हुआ। जनरल इवाशोव के मुताबिक इस बेवजह की जंग में रूस के 140,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि इस एक जंग ने रूस को दुनिया में अकेला कर दिया है और इस सब के लिए व्लादिमीर पुतिन ही जिम्मेदार है। लेकिन रूस के पूर्व जनरल लियोनिड इवाशोव ही नहीं, बल्कि रूस के एक बागी इंजीनियर ने भी राष्ट्रपति पुतिन की परेशानी को बढ़ा दिया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस का एक डिफेंस इंजीनियर रूस से भागकर अमेरिका पहुंच गया है। खबर के मुताबिक रूस का ये डिफेंस इंजीनियर दिसंबर 2022 में अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका पहुंचा और उसने वहां राजनीतिक शरण मांगी। बदले में इस इंजीनियर ने रूस की बेहद खुफिया फौजी जानकारी अमेरिका को देने की पेशकश की। ये इंजीनियर रूस के सबसे घातक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 बनाने वाली यूनिट में काम करता था। ये इंजीनियर 2018 से 2021 तक रूस के कजान में TU-160 बनाने वाली यूनिट में काम कर चुका है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति पुतिन के इस बागी ने अमेरिका को रूस के सबसे घातक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर TU-160 से जुड़े कितने राज बताए हैं। उससे पहले जरा TU-160 की खासियतों के बारे में जान लीजिए। TU-160 रूस का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक न्यूक्लियर बॉम्बर है। TU-160 को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। TU-160 को 4 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है, एक पायलट, एक को-पायलट, एक बॉम्बार्डियर और एक डिफेंस सिस्टम ऑफिसर।
STU-160 की लंबाई 177.6 फीट, विंग स्पैन 182.9 फीट और ऊंचाई 43 फीट होती है। TU-160 कुल 2,75,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ने में सक्षम है। ये वही TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर है जिसने जनवरी 2023 में आर्कटिक महासागर के ऊपर 10 घंटे तक उड़ान भरी थी। इतना ही नहीं, TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर का खौफ अमेरिका और नेटो को भी है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के दौरान अपने कुछ स्ट्रेटेजिक सैन्य ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। यानी जब जब TU-160 बॉम्बर उड़ान भरता है तो ज़ेलेंस्की की टेंशन भी बढ़ जाती है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पूरी दुनिया TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर का नाम सुनते ही दहशत से क्यों भर जाती है। TU-160 बॉम्बर Mach 2 यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। TU-160 की ऑपरेशनल रेंज 12,300 किलोमीटर है और इसकी कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। TU-160 पर 6 KH-55 SM सबसोनिक क्रूज मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। TU-160 12 KH-15 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइलें भी लेकर उड़ सकता है। इसके 2 इंटरनल वेपन बेस से 45,000 किलोग्राम के बम बरसाए जा सकते हैं। ये तो TU-160 की वो जानकारी है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पुतिन के इस बागी इंजीनियर के पास TU-160 में इस्तेमाल होने वाली अहम जानकारियां हैं। मसलन अमेरिकी खुफिया अधिकारी ये जरूर जानना चाहेंगे कि TU-160 में किस सॉफ्टवेयर और वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। TU-160 को रूस की कौन सी कंपनी बनाती है। TU-160 बनाने वाली प्रोडक्शन फैसिलिटी की अहम जानकारियां। क्या TU-160 से हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। नेटो ने राष्ट्रपति पुतिन के व्हाइट स्वान यानी TU-160 बॉम्बर को ब्लैक जैक का कोड नेम दिया है। और फिलहाल इत्तफाक से ही सही, लेकिन अमेरिका के हाथ यूक्रेन जंग में पिछली शतरंज की बाजी के दौरान तुरुप का वो इक्का लगा है जिसकी बदौलत उसे रूस की सिक्योरिटी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। लिहाजा अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पुतिन के इस बागी इंजीनियर को ऐसी खुफिया जगह पर छिपा रखा है जिसके बारे में चंद लोगों को ही पता है, क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया को मालूम है कि राष्ट्रपति पुतिन अपने दुश्मनों और गद्दारों को सिर्फ मौत की ही सजा देते हैं। लिहाजा अमेरिका ने भी इस इंजीनियर की हिफाजत के बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पुतिन के बागी इंजीनियर की अहमियत समझती हैं, लिहाजा उन्होंने इस शख्स की नाम और पहचान दोनों को खुफिया ही रखा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस शख्स से TU-160 से जुड़ा हर राज उगलवा कर ही दम लेंगी। यानी पुतिन के व्हाइट स्वान का हर पोशीदा राज अब आम होने वाला है। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 India पर।